हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा आ चुका है, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ऑनगोइंग हैं। जब स्टूडेंट का वीजा आ जाता है और वहाँ जाने के बाद इनिशियली स्टूडेंट रेजिडेंसी परमिट, अपने स्कॉलरशिप की फॉर्मेलिटी और अपना यूनिवर्सिटी में फिजिकल एनरोलमेंट, ये तीन चीजें करने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले जो सर्च करता है वो करता है पार्ट टाइम जॉब। Yes. क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि अब जब अपना अब्रॉड एजुकेशन के लिए हम इटली जा चुके हैं तो अपने लिविंग को मैनेज करने के लिए प्लस पार्ट टाइम जॉब जरूरी है, आप अगर इटली को या आप यूरोप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी। तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के थ्रू आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है जिससे कि आप इजिली अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीटअप कर सकते हैं, साथ में आप इटली को यूरोप को एक अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जॉब है जिसके लिए अगर आप थर्ड नेशन से हैं या आउटसाइड यूरोप से हैं तो आप उन जॉब्स को इजिली अचीव कर सकते हैं, उन जॉब्स को इजीली आप गेट कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो जॉब है वो है आपका, अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वहां पर एज अ कैब ड्राइवर जॉब कर सकते हैं, साथ में आप एज अ सेल्स असिस्टेंट जॉब कर सकते हैं सुपर स्टोर्स और सुपर मार्केट में। यहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्यूटर के जो ट्रबल शूटिंग होती है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, वहां से एक अच्छा अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। साथ में और भी जो कॉमन जॉब्स है उनमें से आता है एल्डर केयर, बेबी सिटिंग जॉब प्लस फूड डिलीवरी जॉब, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जॉब रहती है। ये जॉब आपको इजीली मिल जाती है, इसके लिए आपको रेस्टोरेंट्स को अप्रोच करना होता है। इटली में आप जब पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे जो बेसिक रेमुनरेशन मिलता है वो आपको मिलता है 8 यूरो से स्टार्ट होता है और 15 और 20 यूरो तक भी वो जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क पे। यूजुअली आप लोगों को जो रेमुनरेशन मिलता है वो इनिशियली 8 to 10 यूरो ही मिलता है। जब आपको उस पर्टिकुलर जॉब में सर्टेन एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका ये रेमुनरेशन अमाउंट बढ़कर 15 यूरो तक भी हो सकता है। यहाँ पर जो सबसे इजी रहता है वो रहता है रेस्टोरेंट्स में जॉब सिक्योर करना। तो आप आपके सबसे जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इनिशियली वहाँ पर आपको पर आवर के बेसिस पे 3 to 4 hours का जॉब इजीली मिल जाता है। उसके बाद कई रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर आप जो सर्टेन फिक्स्ड आवर्स हैं उससे ज्यादा भी आप काम कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा भी जॉब कर सकते हैं और वहां से आप एक अच्छा अमाउंट भी अर्न कर लेते हैं। साथ में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं और होटल्स होते हैं वहां पर आप लोगों को साथ में फूड भी अवेलेबल हो जाता है, और कई अगर आप होटल्स में जॉब करते हैं तो होटल्स में आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड हो सकती है। साथ में स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का इंग्लिश अच्छा है प्लस आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जैसे कि IELTS जो कि मिनिमम C1 और C2 लेवल का है तो आप एज अ इंग्लिश ट्यूटर भी वहां पर जॉब कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन काफी सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहां पर आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी वर्क कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में क्या होता है, आपको अगर इसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज है जैसे मैनेजमेंट, लेट्स से मैनेजमेंट में भी HR या लेट्स से कंप्यूटर साइंस में आप अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हैं तो आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जॉब कर सकते हैं। वहां पर आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको असाइनमेंट्स असाइन होते हैं और वो आपको कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो वहां से भी आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब ये तो है कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, अब सबसे मेन चैलेंज आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे ग्रास्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रास्प करने के लिए आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क आपकी हेल्प करता है। तो आप ट्राई करिए, जब आप वहाँ इटली में जाते हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो आसपास के आपके कोलीग्स हैं जो आप लोगों के साथ पढ़ते हैं, आपके को स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, प्लस आपके जो प्रोफेसर हैं उनके साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, ये आपको काफी करता है पार्ट टाइम जॉब सिक्योर करने में। साथ में आप जो आपके नियर बाय होटल्स, नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे भी आप जॉब के लिए विजिट कर सकते हैं। साथ में आपका जो सुपर स्टोर्स है सुपर स्टोर्स पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे नॉर्मली वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं और उन्हें डेली बेसिस पे सर्टेन आवर्स के लिए इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां से भी आप पार्ट टाइम जॉब इजीली मैनेज कर सकते हैं अपना। साथ में स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं अगर आप पार्ट टाइम जॉब आप मिनिमम वेजेस पे भी अर्न करते हैं जैसे 10 to आपका अराउंड 8 to 10 यूरो, तो उतने वेजेस से भी आपका नियरली आप एक मंथ में 700 यूरो के आसपास अर्न कर लेते हैं, तो इतने अमाउंट से आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस प्लस अगर इनकेस आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिला है तो आप अपनी ट्यूशन फी इजिली मैनेज कर सकते हैं।
तो पार्ट टाइम जॉब से आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली को बॉदर नहीं करना पड़ेगा फर्दर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो इसीलिए पार्ट टाइम जॉब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इटालियन प्रोफिशिएंसी है तो आपको इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, उसमें कहीं भी कोई भी चैलेंजेस नहीं आते। उसके लिए आप अभी से, अगर आप नेक्स्ट इंटेक के लिए देख रहे हैं तो आप अभी से बेसिक इटालियन सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए आपके पास कोई प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो, आप यूट्यूब की हेल्प से भी काफी सारे इटालियन लैंग्वेज के लेसन्स अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू भी अपनी बेसिक प्रोफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। साथ में जब आप लेटर ऑन वहां पे जाते हैं आपके पास अगर बेसिक प्रोफिशिएंसी होगा तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम जॉब के बारे में। साथ में अगर आप कमिंग इनटेक के लिए अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी कोर्स प्रेफरेंस और यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस को लेकर के वरीड हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो अभी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।